हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग जर्नी, मैं बता सकता हूँ, हाँ म्यूचुअल फंड में डाल दो, स्टॉक में डाल दो, बट सेविंग इन्वेस्टिंग एक हैबिट है। जो बंदा ये नहीं देखता मैं 10 रुपए सेव कर रहा हूँ कि 1000 रुपए की 1 लाख रुपए, वो करता है, अरे फ्यूचर में देख लेंगे, अरे कमाई बढ़ेगी, कुछ भी सेविंग नहीं करी। अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों का यही हाल है, यू हैव नो सेविंग्स। इन्वेस्टिंग एंड सेविंग इज अ माइंडसेट। राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, दिस इज 2024 सितंबर, नॉट द राइट टाइम टू बाय स्टॉक्स। वेलकम एवरीवन टू अ वंडरफुल वीडियो, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग जर्नी। मेरी सिस्टर ने रिसेंटली मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि भैया मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसकी नई नई जॉब लगी है, फिर उसकी रिसेंटली शादी भी हो गई है, उसका हस्बैंड भी अर्न करता है, तो उसने पूछा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं क्या जवाब दूँ। मतलब मैं बता सकता हूँ, हाँ म्यूचुअल फंड में डाल दो, स्टॉक में डाल दो, बट देर वॉज नो प्रॉपर वीडियो इन माई चैनल कि मैं बोलूँ तू यार ये देख ले। वो वीडियो बना रहा हूं जो मैं अपने फैमिली को रिकमेंड करूंगा, ये वीडियो से पहले अपने सिस्टर को भेजूंगा। तो ये वीडियो इतना काम आने वाला है आप लोगों का कि इट माइट सेट यू ऑन जर्नी ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक बुक पढ़ी, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन, वो एक बुक है, आपको भी पढ़नी चाहिए, बट मैं आपको समरीज उसकी बताता हूं। उस बुक में बताया गया है कि सेविंग इन्वेस्टिंग एक हैबिट है। जो बंदा ये नहीं देखता मैं 10 रुपए सेव कर रहा हूं कि 1000 रुपए की 1 लाख रुपए, वो करता है, भगवान देखता है कि इसके बाद एक छोटा सा कॉर्पस जमा हो रहा है और वो धीरे धीरे और वेल्थ अट्रैक्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बना लेता है। भगवान देखता है एक बंदा है, इसके पास इससे ज्यादा पैसे हैं, फिर भी क्योंकि ज्यादा पैसे है, अरे सेव नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, अरे फ्यूचर में देख लेंगे, अरे कमाई बढ़ेगी, कुछ भी सेविंग नहीं करी। और आप में से अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों का यही हाल है, यू हैव नो सेविंग्स। लाइक आई नो, हाउ डू आई नो, बिकॉज आई एम वन ऑफ यू, मैं आपके जैसा रह चुका हूं, प्लस मेरे दोस्त है ना, कोई सेविंग नहीं किसी के पास, मैं जानता हूं, कमाते हैं फिर भी नहीं होती। तो सबसे पहले समझिए, इन्वेस्टिंग एंड सेविंग इज अ माइंडसेट, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव। तो इफ यू हैव लेस मनी और मोर मनी और नो मनी, ये वीडियो आपके काम आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कि सबसे पहले अपन को समझना है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। 100 रुपए मैंने यूज करे अपने, कुछ खरीदा और उसको, एक चीज खरीदी 100 रुपए की, उसे 120 में बेच दिया, 20 रुपए मेरी कमाई है और कैपिटल मेरा वापस आ गया, अभी 20 रुपीज को इनकम की तरह यूज कर लिया। फिर 100 रुपए का यूज करके मैंने कुछ खरीदा, 30 रुपए कमाए और 130 होके वापस आ गए, फिर कैपिटल यूज करूंगा, 30 रुपए वापस, ऐसे कमाई, इसको इनकम बनाने को ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन 100 रुपए को यूज करके मैंने किसी चीज को खरीदा और भूल गया, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, उसका 800 रुपए हो गया, वापस आया, तो ये मेरा कैपिटल गेन हो गया, इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म हैबिट होती है और इसके लिए बहुत ज्यादा कम टेक्निकल नॉलेज, कम स्ट्रेस और कम प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती कंपेयर करें तो ट्रेडिंग से। तो ट्रेडिंग के ऊपर एक नई सीरीज बनाऊंगा मैं, जरूर सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो। बट ये भी सुनो आप, इन्वेस्टिंग, अब इन्वेस्टिंग का मतलब तो समझ गया, लॉन्ग टर्म होता है, हम करते हैं 2-3 चीजों के लिए करते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकते हैं, अपनी कार खरीदने के लिए कर सकते हैं, अपना घर खरीदने, अपनी शादी के लिए, मे बी अपने बच्चों के लिए, मे बी अपने मम्मी पापा के लिए, आई डोंट नो, देर कुड बी डिफरेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल, बट वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। टू इन्वेस्ट मनी देर आर 2 मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इनडायरेक्ट मतलब थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। एंड देर आर मोर ऑप्शंस लाइक रियल इस्टेट एंड बहुत सारे न्यू टाइप की चीजें हैं, उनको आगे कवर करेंगे सीरीज में। आज अपन सिर्फ मेन इन्वेस्टमेंट जो होती है मार्केट के अंदर डायरेक्ट उसको समझते हैं। अच्छा गाइस, बेसिकली दुनिया में 2 टाइप के फंड्स होते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, एक को बोलते हैं डेट फंड, एक को बोलते हैं इक्विटी फंड। अभी इक्विटी फंड का मतलब होता है पैसा स्टॉक मार्केट में लगेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक डेट फंड का मतलब होता है मे बी किसी श्योर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में लगने वाला है, किसी बॉन्ड में लगने वाला है, ऐसी जगह लगने वाला है किसी कंपनी में कि कंपनी कहती है भाई मैं आपको फिक्स रिटर्न दूंगी 7 या 8% का, उसमें मार्केट गिरे बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, यू विल गेट फिक्स रिटर्न, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट कम पैसा देंगे। इक्विटी कहता है कि भाई आज मैं आपको हो सकता है इस साल 25% दे दूं, अगले साल शायद 4% दे पाऊं, उसके बाद मैं शायद 30% दे दूं, यानी इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेट और इक्विटी में मैं मुंह पे बोलूंगा आपके, मैंने कंपेयर कर लिया है, डेट फंड एक यंग बंदे को करना ही नहीं चाहिए, सीधे इक्विटी में एंटर करना चाहिए। ये बहुत ही अजीब सा मैंने बात किया है, हो सकता है लोग कमेंट करके मेरे को बोले नहीं तुम गलत बोल रहे हो। यस, इफ योर एज इज लाइक, अगर आप 50 क्रॉस कर गए हो तो मैं कह सकता हूं ठीक है डेट फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो भी मैं कहता हूं 10 साल में मार्केट बुल रन मारी देगा एक बार, अगर 60 के होते होते 100, मैं ट्रेडर हूं ना मैं जानता हूं, आगे 10 साल में भी मार्केट 2 बार बुल रन आराम से मारेगा, 3-4 बार भी मार सकता है, पिछले 4 साल में 2020 से अभी तक 2 बार मार चुका है बुल रन बड़ी बड़ी। तो डेट को मैं थोड़ा साइड में रखता हूं, मैं मानता हूं आपके काम की बात पे, क्योंकि उसमें जिसमें ज्यादा रिस्क होता है बोलते हैं और
और ज्यादा रिटर्न होता है। तो इक्विटी बात करते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में अपन स्टॉक्स खरीद सकते हैं और उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं भाई, आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़ीरोधा का अकाउंट खोलने के बाद वॉचलिस्ट बनाएंगे। अब यार दो तीन तरीके के स्टॉक्स होते हैं, एक होते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, कुछ होते हैं मिड कैप स्टॉक्स, कुछ होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स और कुछ होते हैं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक मतलब हवा हवा की बातें कि भाई वो 2 रुपए का है, वो 5 रुपए का, 10 रुपए का है, एक रॉकेट हो जाएगा, 100 गुना बढ़े पर पैसा बढ़ जाएगा। स्मॉल कैप होता है कम कैपिटल वाला, मतलब कम मतलब छोटी कंपनी, जैसे लार्ज कैप रिलायंस हजारों करोड़ों का टर्नओवर, मिड कैप थोड़ी छोटी कंपनी उससे बट फिर भी हजारों करोड़ों में टर्नओवर, ये थोड़ा करोड़ों में टर्नओवर। तो ये तीन कैटेगरी होती है। मैं सीधे बोल रहा हूं आपको, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, सीधे लार्ज कैप या मिड कैप पकड़ो आप, ठीक है। स्मॉल कैप में रिस्क बढ़ जाता है, हो सकता है आपने 3 कंपनी उठाई, तीनों डूब गई, जरूरी नहीं है। देखो ना, आज आप एक इंफोसिस में इन्वेस्ट करते हो और आप एक आईटी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, कितनी प्रोबेबिलिटी कि आईटी स्टार्टअप हजारों कंपनियों को कम्पीट करके बड़ा हो जाए? लो प्रोबेबिलिटी। इसीलिए लार्ज कैप या मिड कैप पे अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका, अगर आप निफ्टी 200 गूगल करोगे, निफ्टी 100 भी गूगल करोगे, तो 100 कंपनी मिलेगी। अब ये 100 कंपनी जो है, इनमें एक एनालिसिस हुआ है जिसको कहते हैं फंडामेंटल। अब फंडामेंटल एनालिसिस इज द नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू डू If you want to do analysis. अभी fundamental क्या होता है, उस पर मैं dedicated video बनाऊंगा, अगला video series बना रहा हूँ ना आपके लिए, बहुत सारे videos की। तो मैं पूरा मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी website पे जाके हम उसका balance sheet, उसका P ratio, उसका PB ratio, ये सब क्या होते हैं, पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। बट मैं आपको कहता हूँ, government ने करके दिया है, NSE ने, Nifty ने करके, Nifty 100 गूगल कर लो, वो Nifty 100 में ना है इसलिए क्योंकि उसका फंडामेंटल अच्छा है। तो ये बना लिया यूनिवर्स मैंने। अभी 100 कंपनियों में आप चूज कर लो 5-7 कंपनी जो आपको अच्छी लगती हो कि भाई बैंक अकाउंट HDFC में, मैं इसमें अकाउंट को, इसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, और अपने मन से इन्वेस्ट करने लग जाओ, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच है, आप अपने 100 कंपनी के लिस्ट में से 5-7-10 कंपनी निकालिए, फेवरेट कंपनी जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हो, कि ICICI बैंक आपको पसंद है उसमें जाइए, SBI आपको पसंद नहीं है उसमें मत जाइए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको होल्ड भी करना है। जो चीज हमें पसंद होती है, जैसे रिलायंस मुझे पसंद है, आई कैन होल्ड रिलायंस लाइक एनीथिंग। मुझे इंफोसिस पसंद है, इंफोसिस में क्रैश भी आया था मार्केट में बीच में 1.5 साल पहले, नेगेटिव न्यूज पे अमेरिका में, क्या गैप डाउन खुला 10% और खरीदा मैं, आज कहां है, उससे 100% ऊपर है भाई उस पॉइंट से आज मार्केट में। तो इसीलिए बोल रहा हूं पसंदीदा कंपनीज खरीदनी है। तो फंडामेंटल उनमें हुआ है, अपनी पसंदीदा कंपनी हमने खरीद ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में, प्रॉब्लम टाइम। किसी बंदे ने रिलायंस को 2000 पे खरीदा, किसी ने मान लो 1500 में खरीदा, और मान लो आज रिलायंस 2500 पे, तो इसको 500 रुपए आप निकाल सकते हो कि कितना रिटर्न मिला, एक को 500 का, एक को 1000 का। रिटर्न परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। तो आपको कभी भी स्टॉक नहीं खरीदना है राइट नाउ व्हेन आई एम शूटिंग दिस वीडियो, दिस इज 2024 सितंबर, नॉट द राइट टाइम टू बाय स्टॉक्स, नॉट आई मीन अगर आप ये वीडियो 10 साल बाद देख रहे हो तो भी राइट टाइम है, वीडियो 5 साल बाद देख रहे हो तो भी राइट टाइम है, लेकिन अगर वीडियो 3 महीने बाद देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, तो बिल्कुल राइट टाइम नहीं है भाई। अभी मार्केट बहुत दिनों से बुल रन मारा हुआ है, मार्केट एक पुलबैक लेगा। पुलबैक मतलब मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आता है, जैसे कि 200 मूविंग एवरेज गूगल करोगे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, एक इंडिकेटर होता है, ट्रेडिंग व्यू पे लगा दोगे तो एक लाइन बनती, जब उस पे आएगा 200 मूविंग एवरेज पे आप वहां पे बाय करो। मैं आपको एक स्ट्रेटजी देता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, और सुनिए अगर ये सब आपको टेक्निकल लग रहा है ना तो मैं आपको एक इजी वे भी देने वाला हूं अभी 2 मिनट के अंदर, बट थोड़ा सा समझते हैं। tradingview.com खोलेंगे, उसमें डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज लगाएंगे, ऐसे करके आप लगा सकते हो, क्लिक करोगे इंडिकेटर 200 लिखोगे आ गया। अब जब भी स्टॉक ये देखो यहां पे हिट किया कैसा बाउंस किया, देखो कितने बड़े परसेंटेज रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो आपको एक ही चीज करनी है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, तुरंत अपन इजी रास्ते पे जाते हैं कि आप इजी रास्ते से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको कि जैसे लिवरमोर एक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन द हिस्ट्री, इन्वेस्टर इन द हिस्ट्री है, वो एक दिन जूता पॉलिश करा रहे थे वॉल स्ट्रीट के पास में। वो जूता पॉलिश करने वाला बोलते हैं, अब साहब पता है मार्केट में पैसा लगाते हो, लगा दो एक कंपनी में बढ़ने वाला है। वो अपने ऑफिस जाता है और जितना होल्डिंग था सारा बेच डालता है। क्यों? क्योंकि जब ये बात एक जूता पॉलिश करने वाले तक को पता चल गई कि मार्केट उसको कहां से पता चला, उसको किसी कस्टमर से पता, मतलब सब बात कर रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, ये टाइम बेचने का होता है, टीवी में आ रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, भाई वो टाइम खरीदने का नहीं होता। लेकिन आप लोग को अगर देखोगे, अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो तभी खरीदा ना आपने जब मार्केट ऊपर जा रहा था, यस। और फिर जब उसने जिस लेवल ने बोले बेच दिया कि जब इतनी नीचे बात पहुंच चुकी है, तो देखो और उसके 3 दिन बाद मार्केट बहुत बड़ा क्रैश किया। तो ये एक इंडिकेटर है, लोग जब बात करें तब खरीदना नहीं है, बेच देना है। अगर आपको बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो लॉन्ग टर्म में तो नहीं बेचना, होल्ड करना है। और जब क्रैश करता है, लोग बोलते हैं खत्म हो गया मार्केट, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो पैसे सब बर्बाद हो गया, वही टाइम है खरीदने का।
तो आप लोगों की गलती ये है कि आप इमोशंस पे इन्वेस्टिंग करते हो, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। बढ़िया भाई, अगर आप कर सकते हैं डीमैट अकाउंट खोलिए, लिंक दे दी मैंने आपको, खोल के उसमें पैसे डिपॉजिट करिए और अपने मन से जब जब मार्केट क्रैश करे अभी पैसे को अपने एफडी में रखिए या अकाउंट में रखिए, खरीदते जाइए। अब सर मेरे से सब नहीं हो पाएगा, मेरे को थोड़ा इजी अप्रोच बताइए। श्योर, आई विल टेल यू एन इजी अप्रोच। नाउ द इनडायरेक्ट अप्रोच टू स्टॉक मार्केट इज थ्रू टू थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? कुछ फंड्स होते हैं, कुछ फंड मतलब जैसे अनीफ, मैं एक फंड मैनेजर हूं मान लो, तो मैंने फंड निकाल दिया बूमिंग बुल्स फंड। अब आप आके ना इस बूमिंग बुल फंड 50 रुपए का आपको मिलता है एक यूनिट। अब आपने बोले ठीक है 50 का मिलता है, मैं 5000 रुपए का पर मंथ खरीदना चाहता हूं, तो आपको मिल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट, तो आप हर महीने 100 यूनिट खरीदते जा रहे हो। अभी क्या ये 50 की वैल्यू 70 हो गई, तो आपका भी 2 यानी 20 रुपए × 100 का प्रॉफिट हो गया। तो दैट इज म्यूचुअल फंड। एंड हु इज मैनेजिंग द फंड? आई एम मैनेजिंग, मतलब बाय और सेल कौन कर रहा है? मैं करवा रहा हूं। आप बस पैसा डालो, मैं डिसाइड करूंगा कि कब सेल करना है, कब बाय करना है, कितने शेयर उठाने हैं फंड में। तो दैट इज अ म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड बढ़िया चीज है, इसमें भी टाइप्स होते हैं, यू नो, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप और बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको इतना सब नहीं समझना ना, मैं सीधे स्क्रीन पे 3 फंड्स बताता हूं जो डेफिनेटली कोई और नहीं, मैं कह रहा हूं कि बढ़िया है, मैं खुद इनमें इन्वेस्ट करता हूं और इनमें से कुछ में इन्वेस्ट करने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं सीधे, क्योंकि आप, मैं जानता हूं व्यूअर एक वीडियो देखता है तो उसको सीधे काम की चीज चाहिए होती है। तो ये हो गया। अब मान लो आपको और गाइडेंस चाहिए, तो मैं स्क्रीन पे एक फोन नंबर दे रहा हूं। ये किसका नंबर है? ये मेरी डेडिकेटेड टीम का नंबर है। अगर आपको और गाइडेंस लेना है कि सर ये मैं कैसे करूं, क्या करूं और मेरे को जानना है, तो आप इस नंबर पे बात करके ऑल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा और घुसते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जब अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपन के पास 2 मॉडल होते हैं। अपन SIP मॉडल चूज कर सकते हैं, अब लमसम मॉडल चूज कर सकते हैं। SIP और लमसम में फर्क क्या होता है? मैं एक साथ 1.5 लाख दे दूं, एक साथ 2 लाख दे दूं और साल का 2-2 लाख देते रहूं, 5-5 लाख देता हूं, या मैं महीने का 5,000 देना चाहता हूं, महीने का 10,000 देना चाहता हूं, तो उसको SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। तो दोनों बढ़िया है। लमसम अगर आप तब करो जब मार्केट क्रैश करे, याद रखना, और ये तो आप हमेशा कर रहे हो, तो क्रैश में भी कुछ पैसा जा रहा है, अप में भी कुछ पैसा जा रहा है, मतलब क्रैश में कम से कम कुछ तो जा रहा है। तो दोनों मॉडल बढ़िया होते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। फॉर बेटर गाइडेंस, अगर आप देखो स्टूडेंट हो, कम पैसा कमाते हो, भाई गो फॉर द SIP मॉडल। अगर आप बिजनेसमैन हो, पैसा पड़ा रहता है, भाई आप गो फॉर द लमसम मॉडल। नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूलिप। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान। ये एक ऐसा मॉडल होता है जो मुझे मालूम नहीं था। मेरे भैया CA हैं, उन्होंने बोला भाई तू 1.5 लाख रुपए यहां डाल दे। मैंने कहा क्यों डालूं, मैं ट्रेडर हूं, ऑलरेडी अपना फंड्स निकाल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट भी मैनेज कर सकता हूं। बोले भाई टैक्स बचेगा, तो मैंने टैक्स बचाने के लिए 1.5 लाख डाल दिया, तो उससे मेरे को ना 45,000 रुपीज का टैक्स बचा ATC के अंदर। अब सबसे बड़ी बात, इसके पहले मैंने जो मॉडल बताए, चाहे म्यूचुअल फंड बताए, चाहे इक्विटी बताए, उनको जब आप रिडीम करोगे, मान लो 1 करोड़ हो गया, मान लो आपने इन्वेस्ट किया 50 लाख, कंपाउंडिंग के पावर के साथ वो 1 करोड़ हो गया, तो 50 लाख पे लगेगा गाइज टैक्स 20% मान लेते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा फॉर एग्जाम्पल। तो भाई 10 लाख तो मेरा 50 लाख पे 10 लाख तो गवर्नमेंट ले गई। लेकिन अगर मैं जो यूलिप जो मैंने आपको बताया इसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ा लॉकिंग पीरियड होता है कि आप 3 साल तक निकाल नहीं सकते, 5 साल तक निकाल नहीं सकते, वो आप चूज कर सकते हो। और ये अच्छी बात है, व्हेन वी डू एनी इन्वेस्टमेंट वी शुड नॉट बी एबल टू ब्रेक इट। ये एक बहुत बड़ा रूल है। ऑब्वियसली बात है, इमरजेंसी फंड अलग रखेंगे गाइस, इन्वेस्टमेंट फंड अलग रखेंगे। तो क्योंकि इसमें लॉकिंग पीरियड होती है 3 से 5 साल की, उसके बाद फ्री हो जाती है। मान लो मैंने 5 साल जमा किया, मैंने किया भी है, मैं आपको एक मोबाइल दिखाता हूं मेरा, ये एक रिलायंस की पॉलिसी है जो आप देख सकते हो, मेरे नाम पे ही है, अनीश सिंह ठाकुर के नाम पे ही है यहाँ पे। और ये देख सकते हो, इसमें 15 लाख का इंश्योरेंस कवर मिला हुआ है, ठीक है, वो तो चलो एक पर्पस नहीं था। ये देखो प्रीमियम पेड 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए मैंने पे किए पिछले 5 साल में किए, मतलब नहीं 6 साल में किए, तो पिछले 6 साल में मैंने 9 लाख रुपए जमा किए और 39,000 चार्जेस भरे। जैसे ये जो चार्जेस हैं सब में लगते हैं, म्यूचुअल फंड में भी लगते हैं, एग्जिट चार्जेस एंड ऑल सब में लगते हैं, तो ये बहुत कम है कंपेयर करो 9 लाख में 39,000। इतने के फंड्स अलॉट हुए और अभी मेरा जो अमाउंट है 13 लाख का हो चुका है, 13,87,000। और इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, कोरोना टाइम पे मैंने इन्वेस्ट नहीं कर पाया था, तो मेरे पास पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने लेट भरा, यानी मेरे को जो मार्च में भरना चाहिए था जब मार्केट घुस गया था नीचे, तब मैंने नहीं भरा, मैंने भरा एकदम लेट चार्ज के साथ, आई थिंक अक्टूबर नवंबर जब मार्केट बहुत रिकवर कर गया। अगर मेरा वो पैसा वहां डाला होता तो ये 14-13 लाख का ना कम से कम 15-17 या 16 लाख रुपए हो चुका होता। तो अब बेनिफिट क्या है, वो तो इक्विटी में भी होगा, म्यूचुअल फंड में भी होगा, लेकिन अब जब देखो मैंने 5 साल में, मतलब 6 साल में मल्टीप्लाई कर लो 45 × 6, उतने पैसे तो बचा ही लिए। अब जब इसको रिडीम करूंगा, जो मैं नहीं करूंगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ मैं इसको 10-15-20 साल तक खींचूंगा, तो जब वो बड़ा अमाउंट मिलेगा मेरे को 1 करोड़ 1.5 करोड़, तो टैक्स मांगेगी गवर्नमेंट, 1 रुपए नहीं देना है टैक्स का। टैक्स रिडेम्पशन पॉलिसीज अभी, मतलब
मैं बता रहा हूं जल्दी कर लो इस चीज को, क्योंकि कभी क्योंकि पहले कई सारी चीजों में नहीं था, धीरे धीरे गवर्नमेंट लाते जा रही, बट अभी भी अभी बजट में भी इस बजट में भी इस बार इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है। तो और ऑब्वियस ही बात है लगेगा भी फ्यूचर में तो मेरे पे नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तब से स्टार्ट किया था। तो दिस द बेस्ट बेनिफिट, अगेन आई एम प्रोवाइडिंग द नंबर ऑन द स्क्रीन, यू व्हाट्सएप दिस नंबर एंड से व्हाट इज योर कैपिटल दैट यू वांट टू इन्वेस्ट एंड माय टीम विल हेल्प यू चूज द राइट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उनकी टीम है, वो लोग आपको सजेस्ट करेंगे प्रॉपर डिटेल के साथ, ठीक है। तो हमने क्या समझा, तीन कैटेगरी देखी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और यूलिप। यूलिप में एक एडवांटेज है कि मेरा टैक्स रिडम्पशन होगा और ETC तो बचता ही है। म्यूचुअल फंड में भी आप टैक्स बचा सकते हो, उसमें भी पॉसिबल है, स्टॉक मार्केट में टैक्स नहीं बचा सकते, वहां पे आपको भरना ही पड़ेगा और रिडम्पशन पे भी पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को अपना पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए ना, डेफिनेटली 1.5 लाख जो पहला है, जैसे 1.5 लाख जैसे इसमें भी SIP होता है यूलिप में, तो आई बिलीव इसमें अपन को 5,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, आई बिलीव सो 5,000 से मिनिमम होता है SIP यूलिप का 5,000। एनीवेज अगर 1.5 लाख तक तो आपको इस यूलिप में डालना चाहिए, उससे फ्री इंश्योरेंस भी मिलता है, जो भगवान ना करे यूज करना पड़े, बट कम से कम पड़ा तो है ना 15 लाख का, 1.5 लाख रुपए में। और उसके बाद ये 1.5 लाख रुपए का अपन टैक्स बचा रहे हैं, इसके ऊपर अगर आपको चाहिए ना यू वांट मोर रिटर्न्स, लेट्स से मेरे को इतने मन नहीं भर रहा है, तो आप इन इक्विटी मार्केट में जाओ और डिटेल में घुसो। तो दैट इज माई एडवाइस, बट यू टॉक टू माई टीम ऑन दिस नंबर एंड वील टॉक अबाउट इट। तो अब इस वीडियो को छोटा सा मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूं। हमने क्या देखा कि मार्केट में घुसने के दो तरीके होते हैं, या तो मैं खुद करूं, और करने का मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट खोलो, फ्री अकाउंट खोलो ट्रेडिंग व्यू में, अपने निफ्टी 100 गूगल कर लो, लिस्ट निकली, जो फेवरेट नाम देखे, जैसे मेरे को यार ICICI पसंद है, मुझे HDFC पसंद है, मुझे बजाज ऑटो पसंद है, मुझे महिंद्रा नहीं पसंद है, मुझे बजाज ऑटो, मुझे टाटा मोटर्स बहुत पसंद है, मुझे जिंदल स्टील पसंद है, नहीं नहीं मुझे जिंदल पसंद नहीं, मुझे टाटा स्टील पसंद है, ऐसे करके ना चूज कर लो, उनके चार्ट खोलो डेली टाइम फ्रेम पे, और 200 मूविंग एवरेज पे आके उस पर अलर्ट लगा दो। आप अलर्ट लगा सकते हो, राइट क्लिक करके एड अलर्ट कर दो सब में, बजेगा मोबाइल, ईमेल आएगा, भाई आ गया है, जब वो बजे पैसा डालो जीरोधा के थ्रू। सब नहीं कर पाओगे, दो तरीके बताए, म्यूचुअल फंड बेस्ट वाले बता दिए कौन कौन से होते हैं, यूलिप जो होते हैं वो भी बता दिए, ये नंबर पे मैसेज करके डायरेक्टली हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, तो ठीक है गाइस, तो आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्प आया होगा आपको, और अगर हेल्प आया तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल का वीडियो है, मेरे को लगता है आपको अपने फैमिली में अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को, अपने भाई बहन, अपने बच्चों को या किसी को, सबको भेजना चाहिए, सो दैट दे गेट द, जो ओपनिंग कैसे की थी बेबी मैन ऑफ बेबी लोन, रिचेस्ट मैन ऑफ बेबी लोन वाली बात, इट्स अ हैबिट, अगर आप अपनी हैबिट अच्छी बनाओगे तो पैसा अपने आप। मैं अपने पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता था, कुछ भी सेव नहीं करता था, लेकिन ये बुक वुक पढ़ने के बाद ना लगा कि मैंने 5,000 रुपए से शुरुआत करी, मैं कमाता ठीक ठाक था, फिर भी कि 5 ही से करूंगा, नहीं नहीं मैंने 2000 से शुरुआत करी थी म्यूचुअल फंड की, 2000 से शुरुआत करी थी, एक या दो म्यूचुअल फंड डाले 2000 के, फिर उसको 5 पे शिफ्ट किया था, फिर मैंने 5 के मल्टीपल बनाए, और आज मैं अच्छा खासा अमाउंट, मतलब मोर देन यू कैन से 4-5 लाख रुपीस पर मंथ इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूं विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क, खुद से तो करता ही हूं। तो ये मेरी जर्नी है, कैन से मैं 18 साल से वर्क कर रहा हूँ, 35 का हो चुका हूँ, तो मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मैंने इन्वेस्ट करना 17 साल पहले स्टार्ट नहीं किया था, मैंने 5-7 साल पहले स्टार्ट किया होगा, बट स्टिल दैट जर्नी इज नाउ गिविंग मी गुड रिटर्न्स। तो आई वॉन्ट यू ऑल्सो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैबिट, चाहे 500 रुपए हो, 1,000 रुपए हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, डरो मत, इन्वेस्ट करना चालू करो, ठीक है। और बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे इस सीरीज में, मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप लोग कमेंट करें कि कौन कौन से वीडियोस चाहिए आपको, फंडामेंटल डिटेल में सीखना है, रियल इस्टेट के बारे में सीखना है, रियल इस्टेट में कुछ हाइब्रिड मॉडल्स आते हैं, कि यूलिप के बारे में और डिटेल चाहिए क्या, म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल चाहिए क्या, क्या चाहिए आप बताओ, गोल्ड के बारे में डिटेल चाहिए आपको, ट्रेडिंग के बारे में डिटेल चाहिए आपको, उसके बारे में चाहिए ही चाहिए, सीरीज बनाएंगे, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू इन द सम अदर वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कंटेंट आता है, मैं लाइव भी आता हूँ, बहुत मदद मिलेगी, तो सब्सक्राइब बटन अभी दबा के नोटिफिकेशन वाली बटन भी दबा दो, क्योंकि मोबाइल पे फिर आता है नोटिफिकेशन कि मैं लाइव आया हूँ या मिस हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।